हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलिस क्लासिक कुजीन। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। आप एक बार खाओगे ना तो बार बार खाना चाहोगे। बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। रेसिपी का नाम है मावा पिट्ठा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। मावा पिट्ठा बनाने के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम्स मावा। ये मार्केट का मावा है, तो जब भी आप मार्केट से मावा लाएं, तो उसे अच्छे से फ्राई करें ताकि इसके सारे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल सूखा सूखा सा बनाएं। इससे स्टफिंग फटेगा नहीं। घर में अगर आप मावा तैयार कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करें। फ्लेम को मीडियम रखें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करें। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। हमारा मावा फ्राई हो चुका है, तो हम अब बंद कर देंगे स्टोव और इसे ठंडा करेंगे। मावा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। शुगर हमेशा मावा ठंडा होने पर इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर पिघल सकता है। मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कम या ज़्यादा। यहाँ मैं 4 इलायची ले रही हूँ और इसे क्रश करके इसे भी मिला दूँगी। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू, किशमिश, पिस्ता और बादाम लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करें। तो हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब हमें डो तैयार करना है, तो मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। ये मेज़रमेंट में 500 ml है, तो फ्लेम को मीडियम रखें और पानी को बॉयल होने दें। पानी में उबाल आ चुका है, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसे लगातार चलाती जाऊँगी ताकि इसमें लम्स फॉर्म ना हो। मेज़रमेंट का ख्याल रखें, 1 कप चावल का आटा में 2 कप पानी डालें। कोई सा भी कप या कटोरी आप घर में सेट करें और सारा मेज़रमेंट उसी से करें। तो अच्छे से मैंने मिला लिया है और बाकी बचा हुआ आटा भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे लगातार चलाती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं। ये अब डो फॉर्म में आने लगा है, तो फ्लेम को इस जगह बंद करें और उसे ढककर 2 से 4 मिनट तक रखें। ढककर रखने से बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार होता है। तो ये पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्मी है, तो इस टाइम पे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाथों को भिगो लें और इसे अच्छे से गूंध लें ताकि सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमारा सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। तो अब मैं छोटी छोटी लोइयां काट करके और इसे एक बॉल साइज दूंगी। और इसे डस्ट करूंगी। आप मैदे से या चावल का आटा या गेहूं का आटा किसी चीज़ से भी डस्ट कर सकते हैं। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कटोरी बनाने में। अब मैं भरूंगी इसमें मावा वाली स्टफिंग। तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा ना भरें,
नहीं तो बाद में ये फटकर बाहर निकल सकता है। अब गोल गोल घुमाते हुए इसे अच्छे से सील करें। किनारों को अच्छे से दबा करके बंद करें। अब पानी लगा लगा करके जो भाग फट गए थे ना, वो मैं ऐसे चिकना कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से करें, अच्छी तरह से इसे सील करें। तो ये मेरा एक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। तो इस तरह से हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट 1.5 लीटर मैं मिल्क लूँगी और इसे कढ़ाही में गर्म करूँगी मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये बॉयल ना हो जाए। अब दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ा सा दूध एक कटोरी में निकाल लूँगी। और इसमें डाल दूंगी 4 से 5 धागे केसर के और इसे साइड में रख दूंगी। दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, आपको जितना पसंद है। अब जो बॉल्स बना के रखे थे ना, वो एक एक करके सावधानी से इसमें ऐड करें। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा दूध गाढ़ा ना करें, थोड़ा गाढ़ा होने पर सारे बॉल्स इसमें ऐड कर दें। दो से तीन मिनट के बाद फ्लेम को लो कर दें और इसे आहिस्ता आहिस्ता स्टर करें। सावधानी से स्टर करें, नहीं तो ये टूट सकता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ केसर वाला दूध जो हमने बना कर रखा था ना, वो इसे अच्छे से मिक्स करें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और साथ ही टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये जो कटोरी में थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, वो भी मैं डाल दूँगी। अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच केवड़ा एसेंस। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अमेजिंग हो जाता है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो स्किप करें। थोड़ा एसेंस के बदले आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकने दें। पांच मिनट के बाद स्टोव बंद करें। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे गर्म गर्म सर्व करें या फिर ठंडा, दोनों में ही ये बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी ओकेजन के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है, या आपके घर में मेहमान आने वाले हों तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो इस सॉफ्ट और डिलीशियस सी रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय।